नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य सीरियल को तो आप जानते ही होंगे। तो कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड शुरुआत आज के एपिसोड की शुरुआत कैसे होती है हम जानते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है केतन और पालकी द्वारा, यानी कि केतन ये सब कांड तो आप जानते ही हैं, जो शादी टूटने की नौबत पर आ जाती है और ये सब किया हुआ कांड शौर्य का होता है। शौर्य और सैंडी और बलवीर उनके दोस्त द्वारा मिला हुआ किसी फंक्शन में जाते हैं, तो पालकी भी वैसा की रहती हैं, वो सही के लिए की रहती हैं और ये गलत के लिए बदला लेने के लिए करते हैं शौर्य, और उन इस वजह से उनकी शादी टूटने की नौबत पर आ जाती है। तो ये तो हुई पिछली बात, जो आगे पहले के एपिसोड की अब की बात करें तो उसी बात को लेकर के केतन पालकी को डांटते हैं और कहते हैं कि पालकी तू ऐसी निकल गई, तेरे बारे में तो हमने ऐसा नहीं सोचा था कि तू ऐसी निकलेगी, तू तो एक अच्छी लड़की है, तुमको पूरी दुनिया बोलती है अच्छी। ये सारी बातें बोलते रहते हैं उनको और पालकी रोने की सिवा उनके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। केतन केतन बस करती रहती है, आगे बताना चाहती है लेकिन वो कहते हैं केतन की एकदम चुप साइलेंट, अब मैं बोलूँगा तुम सुनोगी, और वो सारी बातें बोलते रहते हैं। इधर राजवीर भी अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, इधर गुरुप्रीता तो देख के एकदम दंग रह जाती हैं सारे लोग पलकी की दादी, और केतन इन्हीं को बोलना शुरू करते हैं पलकी को कि तुमको तो मैंने अच्छा लड़की सोचा था और तुम ऐसी निकल गई, इतनी गंदी इतनी बेदाग औरत की राजवीर से करने से पहले सब नहीं सोचा, और मैं ये सब बोल रहा हूँ तो ये तो जो सामने फ़ोटो इमेज दिखाई दे रही है ये तो गलत नहीं हो सकती है ना, ये तो सही इमेज है। इधर पलकी की मम्मी सोचती रहती है, इधर केतन की मम्मी ये सब में लगी रहती है बुराई करने में पलकी की, और इधर शौर्य बोलते हैं कि अरे यार ये क्या है, मुझे तो काफ़ी इमोशनल ड्रामा दिख रहा है, मुझे तो केवल इंटरटेनमेंट चाहिए थी, और इन लोगों को और थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ेगा लग रहा है और देखने के लिए। राजवीर बोलते हैं कि ये सब गलत है केतन, तो जो ज़रूरी नहीं है तुम फोटो से ऐसा कैसे अंदाज़ा लगा सकती हो कि ये पलकी या और हम ऐसा किए हैं कुछ गलत। तो केतन बोलते हैं अच्छा तो तुमने क्या किया है, इस फोटो में क्या प्रूव होता है, तुम क्या सोचोगे सामने फ़ोटो दिखाया जाएगा। तो राजवीर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अच्छा चलो हम ये सब बात नहीं समझोगे तो मैं बता ही दूंगी, ये पलकी जिस दिन किडनैप हुई थी उसके बारे में ये सब है, यानी कि पलकी किडनैप हुई थी, मुझे नहीं पता अब तक कि किडनैपर कौन है, लेकिन उस समय मैं उसे बचाने गया था और मैं देखा तो उसको खोजते खोजते किसी तरह पलकी मिली, लेकिन हाँ अब पता चल गया कि वो किडनैपर कौन है। लेकिन अभी ये बोलते हैं तब तक शौर्य उनको देखते हैं कि क्या बोलने वाले हैं, सारे लोग अचंभित होकर देखते हैं, लेकिन शौर्य कहते हैं कि राजवीर कहते हैं कि मैं उस किडनैपर के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि बताने के बाद आप लोग कहेंगे क्या प्रूफ है, प्रूफ दो, कि आप लोग को प्रूफ ला के ढूंढ के देना पड़ेगा जो कि मेरे पास नहीं है। इतनी बातें बोलने से तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्रूफ का क्या समझते। ये सारी बातें बोलते हैं तो इधर गुरुप्रीता सोचती हैं, उनके मन में कुछ चलता रहता है कि मतलब क्यों राजवीर ने ऐसा क्यों किया, किडनैप कब हुई थी पलकी मुझे कुछ नहीं बताया, ये सबसे वो क्रोधित होती है। लेकिन इससे नहीं होती कि राजवीर और पलकी के बीच में क्या क्या, क्यों पहले से जान रही होती है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर इधर उनको पलकी को सब सुनाते हैं, माही देखती रह जाती हैं, पलकी रोती है, इधर केतन बोलते रहते राजवीर और पलकी को कि तुम लोग एक बहुत गंदे इंसान हो, तुम लोग को पहले बोलना था कि ये सब क्या हम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। राजवीर तो प्रूफ करने में ही लगे रहते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाता है। इधर केतन के बड़े पापा बोलते हैं कि यदि तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये सब तो लड़की कर चुकी है, जो करना है लड़का कर चुका है। इधर गुरुप्रीता भी बोलती है कि आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, पलकी तो एक अच्छी लड़की है, आप लोग एंगेजमेंट के दिन ही आप लोग को तोड़ना था तो तोड़ चुके होते, क्योंकि पता तो आप लोग को भी होगा किडनैप हुई है, कि इतने बड़े शहर में किडनैप हुई आप लोग को पता नहीं, फिर भी आप लोगों ने किया, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आधे मंडप के बीच में तोड़ के जा सकते हैं कि
लड़की के लिए, एक लड़की के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं। इधर सब लोग देखते रहते हैं। गुरु प्रीतम तो बयान देने में लगी रहती है लेकिन कुछ नहीं हो पाता। इधर चौरे तो जानते ही हैं, दोनों दोस्तों के साथ बैठे अभी भी बैठ के देख रहे हैं कि कब ये सब होगा। फिर वो बलबीर को बोलते हैं कि जाओ तुम और उसमें वो करो, जोड़ो कुछ जिससे मज़ा आए, एंटरटेनमेंट हो। अभी भी थोड़ी सी तड़का लगाना बाकी है। इधर सब लोग परेशान रहते हैं और इधर केतन के बड़े जो पिताजी हैं वो बोलते हैं कि अब तक तुमने कुछ नहीं बोला तो नहीं बोला। अपनी शायद बहन है केतन की मम्मी उनकी, तो बोलते हैं कि तुमने भले कुछ नहीं बोला लेकिन मैं बोलता हूँ शादी तोड़। अब शौर्य के मुंह पे मुस्कान दिखाई दे रही क्योंकि उनको काफी बड़ा एंटरटेनमेंट मिल गया जितना उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उस पर केतन की माँ बोलती है कि हाँ मैं भी बोलती हूँ, तुम भी क्यों बोलोगे, मैं ही इस शादी तोड़ती हूँ अभी। उसके बाद ये सब ये हाथ जोड़ी रहती है पलकी की मम्मी लेकिन कुछ नहीं हो पाता। बोलते फिर केतन बोलते कि मैं शादी तोड़ता हूँ, अब ये शादी मैं नहीं करूँगा। तो वो देखती रह जाती हैं पलकी कि कैसे बोल रहे हैं। इधर गुरु प्रीता भी समझाती लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है और पलकी के पिता तो क्या ही बोल पाएंगे क्योंकि वो सब ये सब देख रहे हैं सिचुएशन। तो उनसे अब इनको इनका सर घूमने लगता, चक्कर आ जाता है पलकी की मम्मी को, वहीं पर गिर पड़ती है क्योंकि जानने की बात है कि एक बेटी की शादी टूटेगी तो कोई भी माँ वैसे नहीं रहेगी। लेकिन वो ऐसी नहीं, थोड़ी अलग टाइप की है कि जो माही को ज़्यादा प्यार करती है और पलकी को ऐसे उसके बारे में भी गिरती है लेकिन उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं सोचती है पलकी के बारे में, हमेशा निगेटिव ही सोचती है। जैसे कि पड़ोसी सोचते हैं वैसे एक माँ को नहीं सोचना चाहिए लेकिन वो सोचती है। तो इधर केतन बोलते हैं कि तू ऐसी लड़की है, तू एकदम ऐसी है, मुझे नहीं पता, एकदम चरित्रहीन है, करेक्टरलेस है, मुझे ऐसे ऐसे शादी नहीं करनी है, मैं तोड़ के जाऊँ, ऐसे बोलते हैं। तो इधर शौर्य बोलते हैं कि चलो दोस्त हम लोग को अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा, जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा, अब हमारा काम हो गया। ऐसे दोनों हाथ उठा के बोलते हैं कि अब मेरा हमारा काम हो गया, पलकी को मिल गई उसकी सज़ा, बोल के उधर जाते हैं। इधर लड़के लोग भी जाते हैं शादी तोड़ के, पलकी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, उनको कुछ सुध बुध नहीं रहता कि आगे क्या बोले क्या करे। इधर देखिए केतन के बड़े पापा जा रहे हैं, राजवीर रोक रहे हैं उनको कि रुकिए ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो सोच रहे हैं जो देख रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं, गलत है भी। इधर पलकी टूट जाती है पूरी, तो पलकी के पिता समझाते हैं कि तू तो सबको हौसला देती है, तू तो सबका साहस बढ़ाती है, तू ही आज टूट जाएगी तो कैसे होगा बेटा, तू अपने आप को बुलंद रख, मजबूत रख जैसे कि तुम है, तू वैसा मत कर जैसा कि सारे लोग सोचते हैं। इधर ये सब होता रहता है, फिर भी राजवीर प्रूफ करने में लगे रहते हैं। तो राजवीर की मम्मी बोलती है वो समझ में आए कि फोटोग्राफर के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुमको शादी करनी है। ये सब होता रहता है, इधर राजवीर प्रूफ करने में लगे रहते हैं लेकिन वो अंदर केतन नहीं जाते हैं। इधर पलकी की मम्मी बेहोश पड़ी रहती है, पलकी की मम्मी बोलती है पलकी ऐसे कैसे कर सकती है, पलकी ने ऐसा क्यों किया, शादी तोड़वा दिया। तो गुरुप्रीता बोलती है आप एक माँ होकर सब, मैं माफ़ी मांगती हूँ लेकिन आप एक माँ होकर ऐसा बोल रही हैं, आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो बोलती है कि तो मैं क्या करूँ, तू राजवीर के बारे में कैसा सोच रही है, वो शादी तो उसकी भी टूटी है उसी की वजह से। तो बोलती है कि मैं तो नाराज़ हूँ उससे लेकिन इसलिए नहीं कि उसने ऐसा किया, इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि उसने मुझे पलकी के किडनैप के बारे में नहीं बताया, इससे मैं नाराज़। लेकिन आप तो ऐसे नाराज़ आप तो पड़ोसी जैसे बिहेव करिए, आप एक माँ है ना, लड़कियों को तो हर वक्त जंग लड़ना पड़ता है लाइफ में, हर दिन उनको जंग लड़ना पड़ता है, और एक औरत होकर आप एक औरत का साथ नहीं देंगी तो उसका साथ कौन देगा। ये सब बोलते रहती है, देखिए आने वाले एपिसोड में क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है। तो आगे के एपिसोड के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही और एंटरटेनमेंट और रोज का तड़का लगा हुआ अपडेट रोज आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।